फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अभिजीत दत्ता और मेरा चैनल का नाम है इंडियन कैट वर्ल्ड। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज कुछ मंझे का वीडियो लेके आया हूँ जो ऑकेशनली लड़ाया जाता है, और मैं जो रिक्वेस्ट बार बार हर वीडियो में करता हूँ इस वीडियो में भी करूँगा। हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नायलन मंझा लड़ाना बंद कीजिए। आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इससे बहुत हादसा होता रहता है और आज भी हो रहा है, बहुत सारा हादसा हो रहा है। और ये मत सोचिए कि आज दूसरों के साथ हादसा हो रहा है तो कि वो हादसा आपके साथ नहीं होगा। वो हादसा आपके साथ भी हो सकता है जब दूसरा कोई लड़ाएगा ये नायलन मंझा और आप रास्ते पर होगी। तो इसीलिए सबसे विनती है मेरा कि नायलन मंझा लड़ाना बंद कीजिए, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबको बोल देते हैं कि मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको मतलब वीडियो आते ही चैनल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ स्टॉक में आ रहा है। तो इसलिए आप अपना पसंद से मंगवा सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ रहता है मेरे टाइटल में, वीडियो के टाइटल में दिया हुआ रहता है। तो इसीलिए कोई कमेंट करके ये मत बोलिए कि नंबर दीजिए, प्राइस मेरा वीडियो में ही रहता है, ठीक है। बहुत सारा भाई लोग है कि प्राइस क्या है, प्राइस क्या है पूछते रहते हैं, तो वीडियो में प्राइस आपको बोल दिया जाता है। फिर भी आप दोस्तों देखते मतलब स्किप करके मत देखिए तो आपको प्राइस पता नहीं चलेगा। वीडियो को अच्छे से देखिए तो आपको प्राइस वगैरह सब कुछ का पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पहला चरखा खोलने जा रहा हूं मैं, ये देखिए, ये C28 पंडा के ऊपर बना हुआ है, ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का डोर है, आप सब लोग देख सकते हैं, ये देखिए। और जो दोस्त लोग मतलब लड़ाते रहते हैं उनको पता ही है कि बरसात का मंझा कैसे होते हैं, ठीक है। और ये ब्लैक कलर में है और ये देख लीजिए, इसमें शीशे का चमक देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। मतलब आप मंझा अगर सामने से देखेंगे तो मतलब ऐसा मंझा है कि इसको कोई छोड़ के नहीं जा सकता, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, वो मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। पहले मंझा देख लीजिए, और इसको हाथ में लेने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप C28 का डोर हाथ में ले रहे हैं। इतना बारीक से मंझा बनाया गया है, इतना बारीक किया गया है, ठीक है। तो चलिए दूसरा चरखा खोलते हैं और आपको आप लोगों को दिखाते हैं। ये सारा के सारा मंझा C28 के ऊपर है, और जैसे मानते चलिए कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो उस हिसाब से हम कलर बनवाए हैं, ठीक है। तो ये पूरा ब्लैक कलर का आपको कलेक्शन दिखने को मिलेगा, ये देख लीजिए, पूरा ब्लैक कलर का कलेक्शन है और बहुत ही मस्त मंझा है। देखिए इसका लच्छी कैसे गिर रहा है, देखिए, बहुत ही मस्त मंझा है, ये देख लीजिए, आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए, इतना खूबसूरत और बेहतरीन मंजा। और हर एक चरखे में आपको ये शीशे का चमक दिखेगा, ठीक है, हर एक चरखे में आपको शीशे का चमक दिखेगा ही दिखेगा, ये देख लीजिए। हो सकता है कि लाइट के वजह से दिखे ना, लेकिन आप लोग अगर सामने से देखेंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा कि इसमें शीशे का चमक कैसा है। और मंझा एकदम मारधार वाला मंझा है, एकदम बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मंझा है, ठीक है। ये तीसरा चरखी खोलने जा रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे पूरा C28 में है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, छतों के लिए ये क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, ठीक है।
बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मंजा है ये। ये छः छः रील की चरखी है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें छः रील लिखा हुआ है। तो बरसात में क्या हुआ कि जब मेकर ये मंजा बना रहा था, तो आप कह सकते हैं कि इसमें आपको इसमें पर्ची नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें पर्ची दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन आ ही सकता है। तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि बरसात में जब ये मंजा बना रहा था, जब ये लपेट रहा था, तब वो पर्ची भीग चुका था, तो इसीलिए वो पर्ची नहीं लगा पाया, लेकिन इसमें पर्ची आपको मिल जाएगा। और इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अंदर में पर्ची आपको मिलेगा, ऊपर वाला पर्ची इसका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मांझा देखिए दोस्तों, ये देखिए मांझा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, ये देखिए अपने आप गिरता चला जा रहा है, ठीक है। और ये मतलब एकदम छतों के लिए एकदम परफेक्ट डोर है, ये देख लीजिए, इतना बारीक किया गया है डोर को, मतलब देखने से पता ही नहीं चलेगा ये सिक्स कॉट का पंडा है, C28 पंडा है, ठीक है। लेकिन ये पंडा मंजा है C28 का, ये आपको मैं कह देता हूँ। और ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है छेड़ी, ठीक है, ये सारा चरखा छेड़ील का है। और इसका कॉस्टिंग भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा क्या कॉस्टिंग आ रहा है। तो ज़्यादा कॉस्टिंग हम नहीं रखते, ये आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादा कॉस्टिंग मेरा रखा नहीं जाता। और आप लोगों को और भी दिखा देते हैं, ये चार नंबर चरखी हम खोलने जा रहे हैं। और अगर मेरे से कुछ गलती हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि देखिए आप लोगों से, दुआ से और इसमें आप लोगों के मोहब्बत से ही हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा और सारा चीज़ बता दीजिएगा, तो उसमें क्या है कि वीडियो बनाने का एनर्जी मिलता रहेगा हमको, ठीक है। तो आपको इसमें भी दिखा देते हैं, एक सेकंड, ये देखिए, मतलब सारे के सारे मांझे में आपको शीशे का चमक इतना अच्छा दिखेगा कि क्या बताएं। एक नंबर क्वालिटी का है दोस्तों, एक नंबर क्वालिटी का डोर है और छः छः रील का बना हुआ है, एकदम बारीक किया गया है डोर को, आप देख सकते हैं एकदम बारीक डोर है, मतलब हाथ में लेने से आपको पता नहीं चलेगा कि आप C28 का डोर हाथ में ले रहे हैं क्या 1-2-3 का, ठीक है। इतना बेहतरीन क्वालिटी का, इतना बारीक डोर इसमें तैयार किया गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मांझा है। ये लस्ट चरखी है, और आप लोग जानते हैं कि जो भी मेरे पास आता है हम उसको पूरा दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ इधर उधर का कर देते हैं, नहीं भाई, जो रहता है वही दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि आपको कुछ दिखाएं और कुछ और दे दे, ऐसा कोई बात नहीं रहता, ठीक है। और अभी बहुत सारे भाई लोग फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उनको पतंग नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पतंग मेरे पास जो आया था वो ख़त्म हो चुका है, अभी दूसरा लॉट आने वाला है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी पतंग के लिए बहुत मारामारी है, तो इसीलिए मतलब पतंग आते ही तुरंत हम बता दे रहे हैं कि वीडियो में के पतंग आते ही आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। अगर जितना देर करेंगे उतना देर में अगर पतंग निकल जाएगा तो मेरे हाथ में कुछ रहता नहीं है दोस्त, क्योंकि मैं कलकत्ता का पतंग बेचता ही नहीं। तो जो भी पतंग आता है, जफर भाई का आता है, तो उसमें पतंग बनने में भी टाइम लगता है और आने में भी। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ कि पतंग जब भी आता है स्टॉक में, तभी तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक भी मेरे पास बहुत कम रहता है, क्योंकि मेरा जगह बहुत कम है, ये आप सब लोगों को पता ही है कि मेरे जगह बहुत कम है, ठीक है। तो ये देख लीजिए डोर, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का डोर है, ये देख लीजिए, मतलब इस डोर को लेके कोई बात होगा ही नहीं, मतलब छतों के लिए एकदम परफेक्ट डोर है, ये देख लीजिए इसका लच्छी कैसे गिर रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब एकदम तार वाला डोर है, और उसके साथ इतना शीशे का चमक और एकदम कांटा मतलब भरा हुआ, जो बरसात के मौसम के लिए चाहिए आप लोगों को। ये देखिए हर एक चरखी एक समान है, ये देख लीजिए,
हर एक चरखी आपको एक समान मिलेगा। ऐसा कोई नहीं कि एक चरखी एक दिखा दिया और दूसरा चरखी दूसरा दिखा दिया, ऐसा बात नहीं है। हर एक चरखी एक समान मिलेगा। और इस डोर का जो मैं प्राइस रखा हूँ अभी 1450 का, इसका फुल चरखी लेने में इसका प्राइस है 1450 रुपया, ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल इंडियन काइट वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपका दोस्त अभिजीत दत्ता, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।